दोस्तों इन्फिनिट प्रिंटर एप्लीकेशन में सिर्फ कैलीग्राफी की ही ऑप्शन नहीं है, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। आप आपके दिमाग पर थोड़ा जोर डालेंगे तो आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ निकल के आ सकती है, अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो, वरना ये आपके काम का नहीं है। मैं अभी तक इसके ज़रिए सिर्फ कैलीग्राफी ही सिखाता आया हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं कुछ अलग ट्राई करने वाला हूँ। आप इसमें बैकग्राउंड कैसे बना सकते हैं ये आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत लोग मुझे बैकग्राउंड के बारे में भी पूछते हैं कि भाई बैकग्राउंड आपके जो अच्छे अच्छे हैं वो कहाँ से आप लेते हैं। इनफैक्ट मैं डाउनलोड करता हूँ पिंटरेस्ट एप्लीकेशन से, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊँगा कि कैसे आपके इन्फिनिट पेंटर के ज़रिए ही बहुत बढ़िया बैकग्राउंड्स बना सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवा, आप देख रहे डिजिटल एडिट्स। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जाना है इन्फिनिट पेंटर एप्लीकेशन में। यहाँ पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। न्यू पे आपको क्लिक करना है और जो भी साइज़ आपको चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ये A4 की साइज़ जो है वो रख लेता हूँ और इसको रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये हमें प्लेन बैकग्राउंड मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड अपना डिफरेंट बनाने के लिए जो इनबिल्ट ब्रशेस है इस एप्लीकेशन में उन्हीं का यूज़ करना है। यहाँ पे एंड में देखिए लेजेंसी का जो ब्रश है, जो फोल्डर है, उसमें जाके आप डिफरेंट टाइप के कलर्स या फिर ब्रशेस यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए तो सबसे पहले मैं इस वाले ब्रश को यूज़ कर लेता हूँ और जो बैकग्राउंड है वो अपनी स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कलर भी हम डिफरेंट टाइप का चूज़ कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके का कलर हमने चूज़ कर लिया और बीच में इस तरीके से डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट बैकग्राउंड जो है ब्लू कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद एक अलग ब्रश या फिर कलर यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं बीच में। उसके बाद हमारे पास दूसरा भी ब्रश है जिसका यूज़ करके आप अच्छे से ये भी स्टेप जो है ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए साइज़ मैंने बढ़ा दी और ये देखिए इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बीच में कलर चेंज भी कर सकते हैं हम लोग। ये देखिए इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के जो कलर्स है उसमें ऐड कर सकते हैं और आपके बैकग्राउंड्स को जो है बेहतर लुक दे सकते हैं। तो ये देखिए अब इसमें दूसरे भी ब्रशेस है जिनका यूज़ करके आप इन्हें और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ये देखिए ये ब्रश मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कलर जो है चूज़ करता हूँ। ये देखिए और आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है। ब्लू कलर यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ और देखिए बैकग्राउंड में ये देखिए ये जो डॉटेड ब्रश है वो भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप उसकी साइज़ भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और बीच में भी इसे ट्राई कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया। सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बैकग्राउंड यहाँ पे बना सकते हैं। फिर यहाँ पे ये ब्रश जो है ये मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है, तो इसकी ओपेसिटी मैंने यहाँ पे इतनी रख दी है। और उसके बाद इसका जो कलर है वो वाइट कर लेते हैं और बीच में इसे डाल देते हैं। देखिए डिफरेंट लग रहा है। ये होती है बैकग्राउंड। आपको कहीं पे भी बैकग्राउंड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। और भी ज़्यादा ब्रशेस है उनका यूज़ भी आप इसमें कर सकते हैं। ये देखिए हारमोनी में भी बहुत ज़्यादा ब्रश है, स्क्रीन टोन में भी है और मिस्क में भी आपको बहुत सारे ब्रशेस जो है मिल जाएंगे जिनका यूज़ आप बैकग्राउंड में कर सकते हैं। ग्लो में भी आपको ये जो ब्रशेस दिखाई दे रहा है ये देखिए ये भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बड़े बड़े राउंड्स यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए उसके आगे एक और ब्रश है यहाँ पे, ये देखिए इसकी यूज़ करके ये देखिए इस तरीके से भी हम बैकग्राउंड में डाल सकते हैं। कितना बढ़िया लग रहा है। ये होता है बैकग्राउंड। अब मैं यहाँ पे जो एंड वाला बैकग्राउंड है उसको यहाँ पे ब्लैक कलर में ये जो एंड में ब्रश है उसको यूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए ये ब्रश मैं फ़िलहाल इसको यूज़ कर रहा हूँ और इसकी साइज़ भी मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कंप्लीट है। और इसको मैं यहाँ पे कॉर्नर्स में डाल रहा हूँ ज़्यादातर। ये देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया।
ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे ये बैकग्राउंड जो है लग रहा है। तो आप इसी का यूज़ करके आपके लिए बैकग्राउंड जो है बना सकते हैं। कुछ कुछ बैकग्राउंड्स आप बना के रख लीजिए, आपको हमेशा के लिए ये काम आएंगे। तो इस तरीके से बैकग्राउंड बना लीजिए आप, आपको कहीं पे भी बैकग्राउंड मांगने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आपके हाथ में बैकग्राउंड से आपको बहुत सारे ब्रशेस इस तरीके के मिल जाते हैं जिनका यूज़ आप इसमें कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ग्लो में, फिल्स में, डिज़ाइन में आपको बहुत सारे चॉक्स या फिर ये देखिए बहुत बढ़िया ब्रशेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। स्प्रेयर्स में भी आपको कमाल के ब्रश मिलते हैं। ये देखिए ये अगर आपने यूज़ कर लिया तो इस तरीके से, सॉरी ब्लैक हो गया, अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये कलर मैंने चूज़ कर लिया और इस तरीके से आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों, बहुत ही अट्रैक्टिव बैकग्राउंड इस तरीके के आप बना सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे इसके ऊपर और दो चार वीडियोस में आपके लिए बनाऊंगा। डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस यूज़ करके आपको अलग अलग बैकग्राउंड्स बना के आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वो वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।